टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सीक्वेंस एंड सीरीज जब आप शुरू करोगे, इन mathematics पढ़ना, तो सबसे पहला होता है, आपको ये पढ़ना sequence and series. हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में बेसिकली जानने वाले हैं कि arithmetic progression क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है और एक रूल ए एम ग्रेटर इक्वल टू जी एम ज्योमेट्रिक मीन तो इन सभी चीजों का बेसिक्स हम लोग करने जा रहे हैं आज और अगले क्लास में जाकर के हम लोग इस पार्ट को फिनिश भी कर लेंगे हम लोग कुछ बेसिक पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का और टॉपिक का नाम है सिक्वेंस एंड सीरीज तो सबसे पहली बात है कि सिक्वेंस क्या है सिक्वेंस एक सिंपल अरेंजमेंट होता है किसी भी सब का किसी भी नंबर का विदाउट एनी ऑर्डर और ऑर्डर आप कह सकते हो ऑर्डर हो भी सकता है और ऑर्डर नहीं भी हो सकता है मतलब एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर और सब्सटेंस एंड अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और सब्सटेंस इज कॉल्ड सीक्वेंस एक नंबर और सब्सटेंस का अरेंजमेंट को ही हम लोग सीक्वेंस कहते हैं और ये कोई ऑर्डर फॉलो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है इसमें कोई ऑर्डर होना जरूरी नहीं है इन सीक्वेंस ऑर्डर इज नॉट रिक्वायर्ड ऑर्डर्ड अरेंजमेंट और ऑर्डर्ड अरेंजमेंट आप कह सकते हो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में लिख देता हूं ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड मतलब हो सकता है कि ऑर्डर भी हो लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ऑर्डर आना चाहिए इसमें जैसे कि आप रखो वन टू फाइव नाइन द टेन टू कुछ भी ये सब जो नंबर्स है वो सब क्या है ट्वेल्व में कर दे रहा हूं ये सब नंबर जो अरेंजमेंट है वो आप देख रहे हो कोई पार्टिकुलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट नहीं है आर्बिटरी तरीके से मैंने कुछ नंबर्स को अरेंज कर दिया गया है अरेंज कर दिया है और ये जो है आपका सीक्वेंस का पार्ट होगा अगर यही सीक्वेंस इफ सीक्वेंस फॉलो एनी ऑर्डर एनी ऑर्डर देन इट इज कॉल्ड देन इट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन तब जाकर के इसको आप प्रोग्रेशन कहते हो जैसे कि अगर आप एग्जांपल में लिखते हो वन थ्री फाइव सेवन नाइन आप देख सकते हो टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू इस तरह से देख सकते हो तो ये सब प्रोग्रेशन का लाएगा, because इन सब में कुछ डिफरेंट रूल्स को फॉलो किया जा रहा है दो एग्जाम्पल मैंने यहां लिया है आप देख सकते हो दो का डिफरेंस है दो दो बढ़ता जा रहा है हर डिजिट इसके बाद यहां पे आप देख सकते हो दो दो का रेशियो है दो के बाद चार चार के बाद आठ आठ के बाद सोलह हर बार टू मल्टीप्लाइड होता जा रहा है पिछले प्रीवियस डिजिट में तो आप देख सकते हो प्रोग्रेशन एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है जबकि सीक्वेंस ऑर्डर अरेंजमेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है कहने का मतलब प्रोग्रेशन एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंस है दैट इज प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन इज ऑर्डर्ड इज ऑर्डर्ड सीक्वेंस सीक्वेंस जो होता है जो अगर ऑर्डर कर दिया जाए तो वो प्रोग्रेशन कहलाता है देर आर इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस पॉसिबल देर आर इनफाइनाइट टाइप ऑफ सीक्वेंस पॉसिबल बिकॉज किसी भी तरह से आप अरेंज कर सकते हो टाइप ऑफ सिक्वेंस पॉसिबल बट देर आर इनफाइनाइट टाइप ऑफ सिक्वेंस पॉसिबल बट बट प्रोग्रेशन

अगर हम ऐड कर दें देन इट इज कॉल्ड सीरीज इन सीरीज क्या करते हैं हम लोग वी एड नंबर्स प्रेजेंट इन प्रोग्रेशन प्रेजेंट इन प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन में जो भी नंबर्स प्रेजेंट है उसको अगर जोड़ दिया जाए तो उसको सीरीज कहते हैं जैसे वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस एंड सो ऑन ये क्या हो गया सीरीज हो गया तो पॉइंट सीधा सीधा है सीक्वेंस में कोई भी ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होगा मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता अरेंजमेंट ऑफ प्रोग्रेशन में, में, हो जबकि में जो, आ, कोई नहीं होता है सीक्वेंस इनफाइनाइट तरीके का हो सकता है जबकि प्रोग्रेशन कुछ डिफरेंट टाइप का ही होगा अगर आप प्रोग्रेशन के नंबर्स को ऐड कर दो तब जाकर के सीरीज का फॉर्मेशन होता है तो दिस इज द कॉल्ड सीक्वेंस एंड सीरीज सिक्वेंस सीरीज का फॉर्मेशन ये तो हम लोग तीन तरह के प्रोग्रेशन को पढ़ेंगे आज के क्लास में हम आपको अर्थमैटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं अर्थमैटिक प्रोग्रेशन आपको पढ़ाया जा रहा देखिए अर्थमैटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है जिसमें कंजिक्यूटिव टर्म्स का जो दो लगातार टर्म्स है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो अगर एक ऐसा एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें दो कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट हो सेम हो दैट इज कॉल्ड अर्थमैटिक प्रोग्रेशन और जो कांस्टेंट टर्म होता है कांस्टेंट आता है दो कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं तो इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन in arithmetic progression difference between difference between two consecutive two consecutive terms terms is constant this constant is called common difference कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस इसको कहा जाएगा फॉर एग्जाम्पल अगर देखोगे आप तो वन थ्री फाइव सेवन नाइन ये सब जो है आप देख सकते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हो थ्री माइनस वन टू फाइव माइनस थ्री टू सेवन माइनस फाइव टू नाइन माइनस सेवन टू तो ये अर्थमैटिक प्रोग्रेशन में जो कि आपको साफ दिख रहा होगा इफ ए वन ए टू ए थ्री ए फोर अप टू ए एन आर इन ए पी प्रोग्रेशन देन याद रखिएगा तो कि जो ए टू होगा उसको आप लिख सकते हो ए वन प्लस डी जहां वेयर डी इज द कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस आप लिखोगे इसको a3 को अगर आप लिखना चाहो तो a2 plus d लिखोगे और a2 को पहले ही आपने लिखा हुआ a1 a1 d तो 2d हो जाएगा आपके पास a4 अगर आप लिखोगे तो हो जाएगा a3 plus d और a3 की जगह आपने ऑलरेडी आप तो a1 2d लिखा हुआ मत a1 3d अगर आप a5 लिखोगे तो आप a4 plus d लिखोगे और इसको आप लिख सकते हो a1 plus 4d इस तरह से आप देख सकते हो कि अगर आप an लिखते हो या कोई भी टर्म a ए एन माइनस वन प्लस डी और ए एन माइनस वन प्लस डी क्या होगा ए एन माइनस वन डी तो ये जो है किसी भी क्या होगा डिजिट एन माइनस वन इन टू डी मतलब ये जो है फॉर्मूला है किसी भी एन डिजिट को निकालने का किसी भी पार्टिकुलर डिजिट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को निकालने का कि आप क्या करोगे फर्स्ट डिजिट प्लस नंबर ऑफ जो आपको एन निकालनाज दिफरेंस एन इज द कॉमन डिफरेंस इज द फर्स्ट एन इज द फर्स्ट टर्म एंड इज द कॉमन डिफरेंस तो ये चीजें हैं जो कि आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप फर्स्ट uh, टर्म और कॉमन डिफरेंस की बात करो तो आप आसानी से ए वन और डी को फाइंड आउट कर सकते हो तो ये आपके पास है एन टर्म ऑफ ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एन टर्म है जो कि आप आसानी से देख सकते हो यहां पे निकाल सकते हो सवाल अक्सर का आपको जरूरत पड़ सकता है कि सम क्या होगा अर्थमैटिक प्रोग्रेशन का जो भी टर्म्स है अप ए एन तक उसका सम क्या होगा देखिए उसका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग देखते हैं तो सम ऑफ अर्थमैटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो आपको पता है कि ए वन माइनस ए वन जो होगा जीरो होगा ए टू माइनस ए वन जो होगा डी होगा ए थ्री माइनस ए वन जो होगा वो टू डी होगा ए फोर माइनस ए थ्री सॉरी ए वन जो होगा वो थ्री डी होगा और इस तरह से अगर आप सॉल्व करते हुए ए एन माइनस ए वन जाते हो तो आपके पास एन माइनस वन डी होगा तो अगर आप इन सबको जोड़ो तो आप देख सकते हो दिस विल बी इक्वल टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू एन और यहां पे आप देख सकते हो एन ए वन आ गया है और यहां पे देख सकते हो आपके पास डी और वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अब टू कहां तक एन माइनस वन तक सो so, ये आपके पास टर्म है दिस इज द समेशन एस एन और ये एन ए वन हो गया है आपके पास पता है कि वन से लेके एन माइनस वन का समेशन वन से लेके एन तक का समेशन आपको पता होना चाहिए वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अब टू एन तक का समेशन जो होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है यही जो है आपके पास रूल है तो आपके पास एन तक का नहीं है एन माइनस वन तक का है मतलब आप कह सकते हो अगर आप इसको एम लिखते हो कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो एम की जगह आपके पास एन माइनस वन है तो एम की जगह अगर आपके पास एन माइनस वन है तो आप इसको एन माइनस वन इन टू एन माइनस वन प्लस वन डिवाइड बाई टू करोगे और इस तरह से आपके पास हो जाएगा डी एन इंटू एन माइनस एन माइनस वन इंटू एन बाई टू तो आपके पास हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू दिस वन अब तो आप देख सकते हो कि आपके पास अगर आप कॉमन लेना चाहो तो आप देख सकते आप, हो एस एन इक्वल टू एन बाई टू कॉमन ले लोगा टू ए वन टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी दिस इज द समेशन ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी आपके पास क्या फॉर्मूला आयान आया है एन बाई टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी अगर आप इसको लिखना चाहो एन बाइ टू एन प्लस एन माइनस वन डी तो a1 प्लस एन माइनस वन डी को आप क्या कर सकते हो ए वन प्लस एन माइनस वन डी को आप लिख सकते हो एन तो आप देख सकते हो समेशन इज नथिंग बट एन बाई टू प्लस समेशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सॉरी समेशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड एन एस टर्म तो आपके पास जो एपी का अर्थमैटिक प्रोग्रेशन का समेशन है वो सिंपली क्या आया है एन बाइ टू एन प्लस एन माइनस वन डी आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो प्लस ए एन तो हम लोग इसमें बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करते हैं प्रोग्रेशन पे बेस्ड आप दोनों चीज देख चुके हो अर्थमैटिक प्रोग्रेशन में किसी टर्म को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा और समेशन क्या होगा देखिए क्वेश्चन में दे रहा हूं फाइंड द ट्वेंटी टर्म ऑफ एपी वन थ्री फाइव सेवन नाइन इस तरह से आपके पास ट्वेंटी टर्म निकालना है ऑल्सो फाइंड सम ऑफ ट्वेंटी टर्म ट्वेंटी टर्म्स फर्स्ट ट्वेंटी टर्म्स का सम भी निकालना है तो सबसे पहली बात तो ये आपके पास ए वन कितना है आपके पास वन है कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना है थ्री माइनस वन बराबर फाइव माइनस थ्री बराबर आप देख सकते हो सेवन माइनस फाइव बराबर टू है बराबर तो होना ही है किसी भी एक से आप फाइंड आउट कर सकते हो और इसलिए ए ट्वेंटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए वन प्लस ट्वेंटी माइनस वन इंटू डी ए वन आपके पास वन है एंड ट्वेंटी मीन्स नाइनटीन इंटू टू है दैट इज इक्वल टू थर्टी एट्लस वन दैट इज इक्वल टू थर्टी नाइन दिस इज द ट्वेंटी टर्म ऑफ दिस पार्टिकुलर एपी अगर आप समेसन की बात करते हो एस ट्वेंटी ट्वेंटी टर्म्स को समेसन करना है तो वी uh, का फॉर्मूला आपको पता ही है एन बाई टू एन प्लस ए एन इसी को यूज कर लेते हैं हम लोग पता कर चुके हैं तो एस ट्वेंटी टू ट्वेंटी बाई टू एंड देन प्लस थर्टी नाइन दैट इज इक्वल टू फोर्टी एंड फोर्टी मल्टीप्लाइड बाई टेन दैट इज इक्वल टू फोर हंड्रेड सो दिस इज द समेसन ऑफ फर्स्ट ट्वेंटी टर्म ऑफ दिस पार्टिकुलर एपी uh, अगर आप एक और एग्जांपल में दे रहा हूं आपको अगर आपको क्या करना है एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि मान लिया आपको क्वेश्चन दे दिया जाए ए पर्सन है सैलरी ऑफ थ्री लैक्स पर एनम एंड ही गॉट increment of 10000 50000 i should say 50000 each year find his salary after 20 years or 10 years 10 years and total amount of money दैट ही रिसीव्ड इन टेन इयर्स तो दस साल में टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना रिसीव किया ये भी बताइए तो देखिए आपके पास ए वन जो है यहां पर वो थ्री लैक्स है ठीक है कॉमन डिफरेंस जो है फिफ्टी थाउजेंड है पचास हजार हर बार इंक्रीज कर रहा मतलब तो दिस इज द कॉमन डिफरेंस और आपको निकालना है एटेन तो एन हो जाएगा ए वन प्लस टेन माइनस वन इंटू डी और इस तरह से आपके पास हो जाएगा थ्री लैक्स प्लस नाइन इंटू फिफ्टी थाउजेंड और इस तरह से आपके पास हो जाएगा नाइन इंटू फिफ्टी थाउजेंड मीन्स फोर्टी फाइव मीनस फोर लैख फाइव थाउजेंड एंड दिस इज फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड एंड दिस इज थ्री लैख दिसन लैख फिफ्टी थाउजेंड सो दिस इज द टू दिस इज द सैलरी आफ्टर टेंथ ईयर दैट इज गेटिंग अब अगर हम टोटल मनी रिसीव की बात करें तो वी हैव टेन बाई टू एंड थ्री लैक्स प्लस सेवन फिफ्टी सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड सो ऑल वी हैव इज टेन बाई टू मीन्स फाइव मल्टीप्लाइड बाई टेन लैख फिफ्टी थाउजेंड 10 ,50 so this is equal to 21 ठीक है, तो ये जो जो है टोटल रुपीज उसको मिल रहा होगा जो वो कर रहा होगा होगा. 10 कि वो कर तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अर्थमैटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर किसी प्रोग्रेशन को आप अर्थमैटिक मीन में, में देखना चाहते हो समेशन क्या होता है अर्थोमैटिक मीन अर्थमैटिक प्रोग्रेशन का एज वेल एज कॉमन डिफरेंस एन टर्म कैसे निकालते हैं हम अर्थमैटिक प्रोग्रेशन का ये सब हमने देख लिया है